मॉर्निंग आज है 24 दिसंबर और हम इसी होटल में रात में रुके थे थर्ड फ्लोर पे और अपनी साइकिल पे सारा सामान लोड हो चुका है। तो चलिए आज कटक में है अभी हम और यहाँ से पूरी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए आज का ये ब्लॉग हर हर महादेव जय जगन्नाथ के नाम से शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। नाश्ता करने के लिए रुक गए यहाँ पे और ये बड़ा है भैया, इसमें क्या मिला है? सब्जी। अच्छा, बड़ा में सब्जी मिलाते हैं। ठीक है, तो नाश्ता करके फिर आ गए। अभी 10:30 बज रहा है और भुवनेश्वर सिटी जो है बहुत जाम था अंदर, वही क्रॉस करके बाहर आ गया है और यहाँ से पूरी टोटल 62 किलोमीटर है। तो अब चलते हैं आगे। सुबह नाश्ता हो चुका है तो चलते हैं आगे कहीं कुछ खाना खाने। और अभी 10:30 भी तो 10:30 ही बज रहा है तो 12 बजे के आसपास कहीं खाना वाना खाएंगे, 12 बजे के आसपास कहीं लंच करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस रूट पे, अब इधर तो थोड़ा कम है, अंदर बहुत ज़्यादा था तो इसकी वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। अब आगे चलते हैं, कहीं रुकते हैं तो आपसे बात करेंगे। 12 बज चुका है और यहाँ पे हम लंच के लिए रुके हैं, रोड पे ही होटल था। तो अभी एक वेज थाली ऑर्डर की है, तो ही ला रहे हैं, वेज थाली है तो वेज थाली यही ऑर्डर की है, वेज थाली आ रहा है तो ही खाना खा के उसके बाद फिर आज देखे पूरी पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे, देखते हैं कब तक पहुँचे। खाना वाना हो चुका है तो लंच हो चुका है यहाँ पे, उसके बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलिए यहाँ से फटाफट निकलते हैं, आपको रास्ते में मिलते हैं निकलने। पूरी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं और अभी भी यहाँ से पूरी जो सिटी है वो 35 किलोमीटर के आसपास बचा है। आज देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, शायद 8 हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो पहुंचेंगे आज ज़रूर। और अब तो अच्छा लग रहा है, बाबा जी की नगरी में पहुंच गए हैं। काफ़ी लंबा रूट था ये वाला, सुकून है, मज़ा आ रहा है। देखिए कैसा नज़ारा है इधर। बज चुका है और मुझे अभी 23 किलोमीटर से एब जाना है और वहीं पे रुकना है। मैं जस्ट जा ही रहा था, वहाँ साइकिल खड़ी है तो भैया ने हमको बुलाया और बुला के यहाँ पे चाय पिलाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। हम चले, कुछ कहना है आपको? नहीं, कुछ नहीं कहना। आपका जो चल रहा है ना ये यात्रा, पदो यात्रा, जी जी, उनको जगन्नाथ जी ठीक से रखें। बोलते हैं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत 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 धन्यवाद भैया। चले ठीक है, चलिए चलते हैं। और 23 किलोमीटर के आसपास बचा है, देखिए कब तक पहुंचते हैं। से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल डगर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर,
बताए सौ कहानियां। तो रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है जैसा आपको पता है कि हम पूरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रात में हम लगभग 7 बजे के आसपास आए थे, तो रात हो गई थी, तो आए फटाफट फिर सो गए, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो अभी मैं पूरी में ही हूँ और मंदिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, तो अभी मैं पूरी में ही हूँ और ये फ्लैट जो है मेरे परम मित्र का है, आज मुझे यहीं पर रुकना है। लगभग 4 दिन का स्टे लेंगे हम पूरी में, उसके बाद यहाँ से सीधा निकलेंगे आंध्रा, तो कल चलेंगे दर्शन करने, तो आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो आज तो दर्शन नहीं करने गए, आज संडे था तो आज दर्शन नहीं करने गए, तो आज तो लगभग हम सो के उठे 9 बजे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो कल चलेंगे दर्शन करने और उसके बाद सोच रहे हैं कि कुछ सी बीच के आसपास कहीं कैंप वैम्प करने का, तो फिर देखते हैं। अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज सिर्फ सोएंगे, आज एकदम अपना रिलैक्स कर रहे हैं, आज कुछ भी नहीं करेंगे, आज सिर्फ सोना है। तो इस तरह से कुछ फ्लैट है, पूरी खाली है, हमी है इस पर यहाँ पे। अभी अपना टेंट को भी साफ़ करना है, कुछ कपड़े साफ किए हैं और ये अपना रूम था, तो यहाँ हम लगभग 4 दिन रुकेंगे, उसके बाद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे पूरी, जितना यहाँ फेमस मंदिर और फेमस प्लेस है सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।